नमस्कार दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और आज के दिन में भी यहाँ पे निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ है और 40 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग आई है। तो इस क्लोजिंग पर मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे सेंटिमेंट जो था वो थोड़ा सा नेगेटिव था क्योंकि कल रात डाउ में करीब 100 पॉइंट की गिरावट देखी गई थी, बट हमारे मार्केट पे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार नीचे गिरा, करीब 20 पॉइंट की गिरावट भी दिखाई, बट उसके बाद जो रिकवरी आई फाइनली 40 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी करीब 216 पॉइंट यहाँ पे चढ़ के बंद हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग देखी गई थी आज के दिन में। अगर टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूँ तो इंडसलैंड बैंक सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद यस बैंक, उसके बाद बजाज फाइनेंस। वहीं अगर लूजर की बात करूँ तो लूजर में भारतीय एयरटेल सबसे ज्यादा गिरा, उसके बाद वेदांता, उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे एशियन ग्रैनेटो की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 3% का उछाल देखा गया था। रीजन जो आ रहा है यहाँ पे, कंपनी प्लान कर रही है करीब 90 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने के लिए और ये प्रेफरेंशियल वारंट्स के थ्रू उठाया जाएगा। तो कह सकते हैं काफी पॉजिटिव है क्योंकि ये पैसा सारा एक्सपेंशन में लगाया जाएगा, तो ये काफी पॉजिटिव आया है इस एशियन ग्रैनेटो के लिए। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे एडवांस एंजाइम्स की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब 2% की गिरावट देखी गई थी। जो रीजन आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक डे बाय डे घटाते जा रहे हैं, तो इसी के चलते में यहाँ पे स्टॉक में 2% की गिरावट देखी गई थी। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे जेट एयरवेज की तरफ से, जहाँ पे जेट एयरवेज की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ पे इनके 4 और एयरक्राफ्ट यहाँ पे ग्राउंडेड हो गए हैं क्योंकि उनकी जो लीज पेमेंट था वो नहीं किया अभी तक जेट एयरवेज ने। तो ये जो प्रॉब्लम है जेट एयरवेज की, भर्ती जा रही है, कहीं ऐसा ना हो जब तक इनको पैसा मिले तब तक ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा पीक पे पहुंच जाए और उसका जो पूरा फायदा जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है इंडिगो को। तो आज इंडिगो का स्टॉक में करीब 4% की रैली थी इसी के चक्कर में। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, जहाँ पे जेट की दिक्कतों को देखते हुए यहाँ पे इंडिगो ने, जिनके पास पायलट का शॉर्टेज था, उन्होंने यहाँ पे जेट एयरवेज के पायलट को ऑफर्स दे दिए हैं कि अगर वो इंडिगो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर जेट एयरवेज की प्रॉब्लम चलती रही और यहाँ पे जो सैलरी डिले का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अगर वो कंटिन्यू रहा तो बहुत ही जल्द यहाँ पे जो पायलट हैं जेट एयरवेज के वो स्विच करते हुए दिखाई देंगे जेट एयरवेज से टू इंडिगो में। और इंडिगो को इसको सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है क्योंकि अगर जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन अगर इतना प्रॉब्लम में है तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन होगा वो इंडिगो का होगा क्योंकि सारे पैसेंजर जो जेट अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, जो पैसेंजर लोड था जेट एयरवेज का, वो पूरा पूरा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा इंडिगो एयरलाइंस पे। तो इंडिगो के स्टॉक पे नजर रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में काफी और अच्छा मोमेंटम बन सकता है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे सिटी की तरफ से, जहाँ पे कि मारुति पे बाय कॉल जनरेट किया है और करीब 16% की अपसाइड के साथ यहाँ पे जो टारगेट आ रहा है वो करीब 8600 के आ रहे हैं। बट हालांकि मारुति तो इससे ऊपर भी ट्रेड होके आ चुका है, 10,000 का प्राइस इसने टच किया था, बट फिलहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है ऑटो सेक्टर, इसकी वजह से इसकी भी पिटाई हो रखी है। अब देखते हैं कब तक ये टारगेट आते हैं। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे स्पाइस जेट की तरफ से, जहाँ पे डीजीसीए ने यहाँ पे जो बोइंग 737 है उसको यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया है और स्पाइस जेट के पास ज्यादातर बोइंग 737 है और ये जो बैन हुआ है वो बेसिकली इथियोपियन एयरलाइंस जिनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, वो जो एयरक्राफ्ट था वो बोइंग 737 था। इसी के चक्कर में ये यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है, सेफ्टी इशू के चक्कर में यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया है। उसका जो नुकसान हो रहा है वो स्पाइस जेट को बहुत ज्यादा हो रहा है और यहाँ पे इन्होंने 14 फ्लाइट कैंसिल करी है। अब ये कैंसिलेशन का जो नुकसान है वो पूरा स्पाइस जेट को भरना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कब तक ये प्रॉब्लम रहती है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से, जहाँ पे कि इन्फोसिस के स्टॉक में 2% की रैली देखी गई थी आज के दिन में और इनको ऑर्डर मिल गया है यहाँ पे श्रीलंका बैंक के सब्सिडरी का, वहां पे ये फाइनेंशियल सेटअप लगाने के लिए है। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इन्फोसिस का स्टॉक और कैसा परफॉर्म करके दिखाता है। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्केट की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब आज के दिन में यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग देखी गई थी और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट आया है ये करीब 100 करोड़ रुपया मार्केट से उठाने वाले हैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे उषा इंटरनेशनल की तरफ से, जहाँ पे फैन सेगमेंट में करीब 20% की ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, ऐसा स्टेटमेंट आया है इनके एमडी की तरफ से। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कैसा और परफॉर्म कर सकते हैं। अगला अपडेट लेते हैं वो आ रहा है यहाँ पे हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में 5% का अपर सर्किट देखा गया था और यहाँ पे जो रीजन आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे इनके पास सरप्लस लैंड पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है, उसको बेचने जा रहे हैं
और उस जगह को बेचने के बाद जो पैसा आएगा वो यहाँ पे डेट रिड्यूस करने में लगाया जाएगा। तो काफी पॉजिटिव है कंपनी के लिए, इसी के लिए आज स्टॉक में करीब 5% की रैली देखी गई थी आज के दिन में। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूंगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।